टाटा एयरबस विमान निर्माण परियोजना नागपुर की बजाय गुजरात को सौंप दिए जाने पर शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। यहां तक कि संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा है कि देवेंद्र फडणवीस पर कभी विश्वास मत करना। मुंबई स्थित टाटा अस्पताल के बाहर खाना बांट रहे एनजीओ के एक कर्मचारी ने एक भूखी और विशेष धर्म की महिला के साथ की बदसलूकी। कहा पहले उसे जय श्री राम बोलना पड़ेगा तभी खाना मिलेगा। 6 करोड़ की GST चोरी के आरोप में हापुड़ के फेमस पटाखा व्यापारियों के ठिकानों पर की गई है छापेमारी। हिंगना इलाके के आउटर रिंग रोड पर मौजा रायपुर वेना नदी के ब्रिज के नीचे हजारों की संख्या में आधार कार्ड पड़े मिले, जिस वजह से कार्ड के असली हकदार इनकी प्रतीक्षा में रहे। सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि डाक विभाग के कर्मचारी वेना नदी के ब्रिज के नीचे आधार कार्ड फेंक कर चले गए। चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत ने गुरुवार को अभिनेता दलपति विजय को उनके हाल ही में आयोजित पहले राजनीतिक सम्मेलन के लिए बधाई दी और कहा बहुत सफल सफर रहे आपका।